हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट रचित पंगाल। इस वीडियो में हम काने कोर्सो डॉग के बारे में बात करेंगे। हम टोटल 5 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला पॉइंट हिस्ट्री एंड ओरिजिन, सेकंड पॉइंट क्वालिटी और मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस, थर्ड पॉइंट क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है, फोर्थ पॉइंट प्राइस और फिफ्थ पॉइंट कि ये प्रॉफिटेबल है इंडियन मार्केट में ब्रीडर्स के लिए। तो हम पहले पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, वो है हिस्ट्री एंड ओरिजिन। हिस्ट्री ऑफ काने कोर्सो। काने कोर्सो बेसिकली इटालियन ब्रीड है, इटालियन मैस्टिफ भी बोला जाता है इसे। सदर्न इटालियन मतलब सदर्न इटली में ये ब्रीड मतलब पहले मिलती थी और ये यूज होती थी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए और ट्रैकिंग के लिए और फार्म्स पे मतलब इस डॉग को यूज़ करा जाता था। एनिमल्स जो फार्म्स के जो एनिमल होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, गैदर करने के लिए और जो फार्म पे जो फैमिली होती है उनको वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको 2003 में रजिस्टर्ड करा था अमेरिकन कैनल क्लब, इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन कैनल क्लब। इसने 2003 में काने कोर्सो डॉग ब्रीड को रजिस्टर करा था। ये नेपोलियन मैस्टिफ, काने कोर्सो ब्रीड नेपोलियन मैस्टिफ ब्रीड की कजन कह सकते हैं हम इसे। और ये मैंने पहले भी बताया कि जो काने कोर्सो है ये इटली के जो पुरानी ट्राइब्स हैं वो यूज करते थे इसे, मतलब जो गेम होते हैं ना, जो प्रे करते हैं, हंट करते हैं जो डॉग, वो उसमें यूज करते थे इस डॉग को। अब हम बात करते हैं क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी काने कोर्सो की हम कैसे चेक कर सकते हैं? आप काने कोर्सो डॉग की हैवी बोन होगी, स्क्वेयर फेस होगा, शॉर्ट टेल होगी, टेल उसकी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, शॉर्ट टेल होती है। ये सब चीज़ें आप साथ में फ़ोटो में देख सकते हैं, मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको तरीके से फ़ोटो में भी दिख जाएगा। वो उसका फोर हेड जो होता है वो फ्लैट होता है और इसकी जो आईज होती है वो आलमंड शेप आईज होती है, मतलब कि जो बादाम के दाने की शेप होती है उस शेप की आईज होती है इसकी। अब मैं मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। जो मैं आपको डाटा दूंगा वो अमेरिकन कैनल क्लब ने रजिस्टर्ड करा हुआ है, उसके बेस पे मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। फीमेल की जो हाइट होती है, जो एक बढ़िया क्वालिटी की काने कोर्सो फीमेल की हाइट वो 23.5 इंचेस से 26 इंचेस के बीच में होगी और मेल काने कोर्सो की डॉग की हाइट 25 इंचेस से 27.5 इंचेस के बीच में होगी। और इनका वेट, फीमेल का वेट 40 से 45 केजीज के बीच में होगा और मेल का वेट 45 से 50 केजीज के बीच में होगा। इस ब्रीड को अमेरिकन कैनल क्लब ने एक मैस्टिफ ब्रीड के ग्रेड के अंदर रखा है और या फिर आप इसको वर्किंग ग्रुप भी कह सकते हो। और अमेरिकन कैनल क्लब ने इसको पॉपुलैरिटी रैंक दी है 32 आउट ऑफ 195 ब्रीड्स। ये अमेरिका की पॉपुलैरिटी रैंक है डॉग्स की। अब मैं बात करता हूँ इसके कलर्स की। बेसिकली काने कोर्सो डॉग ब्लैक और फोन कलर में होता है और ये ब्रिंडलिंग शेप होती है उसके, शेप होते हैं जो टाइगर प्रिंट बोलते हैं उसमें भी मिलता है। अब हम बात करते हैं क्या ये डॉग आपके लिए परफेक्ट है। तो इसमें बात करते हैं हम, इस डॉग अगर आप काने कोर्सो डॉग को लोगे तो आपने एक्सरसाइज, इसको हैवी एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी और क्यों, ये बहुत जरूरी है, नहीं है एग्रेसिव हो जाता है डॉग अगर इसकी आप कैलोरीज बर्न नहीं करोगे। और अगर आप कैलोरीज बर्न नहीं करोगे तो ये ओवरवेट भी हो जाएगा और इस डॉग को ज़्यादा स्पेस की जरूरत है। अगर आप छोटे मकानों में या छोटे हाउस में रहते हो या आपके पास आसपास इतनी जगह नहीं है तो आप इस डॉग को ना लें। अगर आपके पास बड़ा घर है या फिर आपके घर के आगे पार्क है या फिर बैकयार्ड है या फिर अगर आप फार्म यूज के लिए इसको डॉग को लेना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो, क्योंकि इस डॉग के अंदर मतलब एक्सरसाइज करवानी ज़्यादा जरूरी है, नहीं फिर ये एग्रेसिव हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा गार्ड डॉग है, इसको बहुत अच्छी रैंकिंग मिली है एज ए गार्ड डॉग।
और ये वैसे भी इसके जो एंसिस्टर थे इस डॉग के वो फार्म्स पे काम करते थे, इटली के फार्म्स पे काम करते थे, तो मतलब कि ये फार्म डॉग तो बहुत अच्छा है एज अ फार्म डॉग, जो आपको अगर फार्म पे अगर रखना है ये तो उसके लिए बहुत बढ़िया डॉग है। तो आप इससे इन बातों से समझ जाओगे कि आपके लिए डॉग परफेक्ट है या नहीं है। अब हम बात करते हैं इस डॉग की प्राइस की, खाने कोर्सो डॉग प्राइस इन इंडिया। जो खाने कोर्सो डॉग है वो इतना ज़्यादा पॉपुलर है नहीं अभी इंडिया में, मतलब बहुत कम ब्रीडर्स के पास है, या तो उन्होंने इंपोर्ट करा हुआ है या फिर जो मेन जो इंपोर्ट करे हुए उनके बच्चे हैं मतलब आपको सेल करते हैं ये। इसका प्राइस अपने इंडिया में है 45,000 से 75,000 के बीच में। एक बढ़िया खाने कोर्सो डॉग आपको इस रेट के बीच में मिल जाएगा, इसे कम भी मिल सकता है पर उसका आप रिकमेंड कर नहीं सकते। अगर क्या होता कि मतलब कि उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी ना हो, अगर बढ़िया क्वालिटी का खाने का उसका डॉग आज की डेट में आपको 45,000 से 75,000 के बीच में मिलेगा। अब बात करते हैं कि खाने का उसका डॉग ब्रीडिंग इंडिया में मतलब प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो इसमें मैं बात करता हूँ कि काने खुरसों के बीच बिच जो होती है वो उसका लीटर साइज है 4 से 6 पपीज, मतलब कि एक काने खुरसों की जो बिच है वो 4 से 6 बच्चों के बीच में बच्चे देगी। और इसमें यूं कहते हैं कि मतलब कि अगर 6 बच्चे हैं तो 2 मरी जाते हैं, 4 ही बचते हैं। एक एक मतलब हमारे आस जो ब्रीडर्स है उनकी ये सोच है, उन्होंने ये एक्सपीरियंस करा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तो फिर पर इसके जो ब्रीड के जो बच्चे जो महंगे बिकते हैं इंडिया में, और ये रेयर क्वालिटी में है, अभी रेयर ब्रीड है, तो मतलब एज ए रेयर ब्रीडर अगर आपके पास ये बच्चे हैं तो आप मतलब आपके बच्चे सेल हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि ये रुकेंगे। तो इस इन चीज़ों से देखा जाए तो इंडिया में प्रॉफिटेबल बिजनेस है आज के टाइम पे काने कोर्सों की ब्रीडिंग। तो इसी के साथ हमने इन 5 पॉइंट्स को कवर करा। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अगर आपको किसी और वीडियो पे या किसी और टॉपिक पे हम वीडियो बनवानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।